गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूँ फिर से एक बार हमारी आज की क्लास में। आज हम क्लास सेवेंथ का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने फर्स्ट चैप्टर अपना पढ़ा था साइंस का जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने बात करी थी कि न्यूट्रिशन होता क्या है। मैंने आपको न्यूट्रिशन कैसे बताया होगा, मैंने आपके लिए बताया था द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, मतलब खाने को लेने का और यूटिलाइज करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, न्यूट्रिशन के थ्रू ही हम हमारी जो बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उन्हें लेते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, पिछले चैप्टर में ही मैंने बताया होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होती हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पिछले चैप्टर में हमने एक और बात करी थी कि दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब अपना जो न्यूट्रिशन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं उस हिसाब से। एक हमने बात करी थी ऑटोट्रॉप्स की, एक करी थी हेटरोट्रॉप्स की। ऑटोट्रॉप्स कौन से थे, जिनका न्यूट्रिशन का तरीका कौन सा था, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मतलब उनका न्यूट्रिशन का तरीका कौन सा था, ऑटोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक का मैंने आप लोगों को मतलब बताया था ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और उनका न्यूट्रिशन का तरीका क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए, और इसका एग्जाम्पल की क्या बात करी थी, जितने भी ज्यादातर प्लांट्स थे मोस्टली प्लांट्स क्या थे, ऑटोट्रॉप्स थे, और उनका न्यूट्रिशन का तरीका कौन सा था, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। हमने फिर बात करी थी हेटरोट्रॉप्स की, हेटरोट्रॉप्स कौन से थे, जो अपना खाना बनाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड हो, अपना खाना बनाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड हो, अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड हो, वो क्या कहला रहे थे, हेटरोट्रॉप्स। और उनका न्यूट्रिशन का तरीका क्या कहला रहा था, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, अब हमने बात करी द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स कौन से थे, ऑटोट्रॉपिक थे या हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हेटरोट्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन का जो तरीका है, न्यूट्रिशन पांच तरीके से आप लेते हैं, आपका जो न्यूट्रिशन का जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा जो प्रोसेस है ये पांच स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप को आप कहते हैं इंजेशन, क्या कहते हैं बच्चों, इंजेशन। दूसरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, क्या कहते हैं बच्चों, डाइजेशन। पहला प्रोसेस हो गया हमारा इंजेशन, दूसरा प्रोसेस डाइजेशन, साथ के साथ मैं लिख रहा हूं, याद करते चलना, ठीक है। सब पहला प्रोसेस इंजेशन, दूसरा प्रोसेस डाइजेशन, तीसरा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ प्रोसेस होता है हमारा एसिमिलेशन, क्या होता है, एसिमिलेशन। और हम अगर अपने फिफ्थ और लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो होता है इजेशन। इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट वन हमारा इंजेशन। इंजेशन होता क्या है, इंजेशन होता क्या है, अगर देखिए ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या लिखी थी मैंने, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। अगर इस डेफिनेशन में फिर मैं कंज्यूमिंग तक रखता हूं, कंज्यूमिंग फूड, आप फूड को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप घर पे बैठे हो, आपके सामने एक थाली रखी है और आपने एक टुकड़ा उठा के मुंह में रखा, उसी प्रोसेस को बोलेंगे इंजेशन। एक बर्ड है, उसने बर्ड ने कोई कीड़ा देखा, चिड़िया है, चिड़िया ने कोई कीड़ा देखा और उसने चोंच मारी, कीड़े को उठा लिया, वही प्रोसेस क्या है, इंजेशन। एक स्नेक है, स्नेक ने कोई मेंढक को पकड़ा और मेंढक को निगलने की कोशिश की, अपने मुंह में ले लिया, वही प्रोसेस क्या है, इंजेशन। एक कोई बर्ड है या मधुमक्खियां होती हैं, फ्लावर पे बैठ जाती हैं और चूसना स्टार्ट करती हैं, वही प्रोसेस क्या है,
इंजेशन। तो इंजेशन से हम एक चीज तो समझे, इंजेशन क्या कहते हैं, मतलब अपना जो खाना आपका आपसे जो दूर है उस खाने को अगर आप अपनी बॉडी के अंदर लेकर आए, अपने माउथ तक लेकर आए, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, इंजेशन। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, अब कुछ इंजेशन के एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, बीज मीनिंग क्या होता है, मधुमक्खियां, और एक होती है हमिंग बर्ड। क्या होती है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक तरह की चिड़िया होती है। ये दोनों अपना खाना कैसे इंजेशन, मतलब कैसे इंजेस्ट करती हैं अपनी बॉडी में, कैसे लेती हैं। बीज जो होंगी, मधुमक्खियां जो होंगी, एक फ्लावर पे बैठ जाती हैं। किस पे बैठ जाती हैं, फ्लावर पे, और फ्लावर से ना फ्लावर का जो जूस होता है नेक्टर, उसे क्या करती हैं, सक करती हैं। मतलब सक करने का मतलब होता है किसी चीज को चूसना। तो बीज और हमिंग बर्ड क्या करेंगी, फ्लावर के नेक्टर से सक करके क्या करेंगी, इंजेशन का प्रोसेस करेंगी। और हमिंग बर्ड के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमिंग बर्ड बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, बहुत ही छोटी सी चिड़िया होती है, लेकिन अगर मैं इस चिड़िया की हार्ट बीट की बात करूं, हार्ट बीट की बात करूं, मतलब एक मिनट में इसका दिल कितनी बार धड़कता है, तो वो धड़कता है 1200 बार। कितनी बार, 1200 बार। हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है एक मिनट में, हमारा हार्ट धड़कता है लगभग 70 से 80 बार, और इसका कितनी बार धड़क रहा है, 1200 बार। ऐसे ही अगर हम मैं बात करूं ह्यूमंस की, मतलब हम लोग जो होते हैं, हमारा कितना होता है, 70 से 80 नॉर्मली होता है। और अगर मैं बात करूं एलिफेंट की, एलिफेंट की बात करूं, तो उनकी हार्ट बीट होती है लगभग 25 बीट्स पर मिनट। तो इससे आपको एक चीज दिखाई दी, इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, एलिफेंट। सबसे ज्यादा हार्ट बीट किसकी है, एलिफेंट की। मतलब दिल की सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका धड़क रहा है, एलिफेंट का। और सबसे बड़ा क्या है, एलिफेंट। ह्यूमन एलिफेंट से छोटे हैं, लेकिन ह्यूमंस की हार्ट बीट क्या है, एलिफेंट से ज्यादा है। हमिंग बर्ड ह्यूमन से भी बहुत छोटी है, और हमिंग बर्ड की हार्ट बीट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो मतलब हार्ट बीट का कनेक्शन कहीं ना कहीं साइज से होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जितना बड़ा साइज होगा उसकी हार्ट बीट उतनी कम होगी, और जितना छोटा साइज होगा उसकी हार्ट बीट उतनी ज्यादा होगी। जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी हार्ट बीट पता है आपको 80 प्लस होती है, 80 से भी ऊपर होती है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट 70-75 के लगभग रहती है। आपको किताबों में हमेशा देखने को मिलता है 72, लेकिन 72 नहीं होती है, 72 से या तो ऊपर होती है, नीचे होती है, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी 72 होती है। इसके अलावा अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, स्नेक्स, किनकी बात करें बच्चों, स्नेक्स, स्नेक्स जो अपना खाना लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं। किसी मेंढक, स्नेक्स अपना खाना कैसे लेता हुआ, किसी कीड़ों को खाते हैं, सांप वगैरह, कीड़ों को कैसे करते हैं, निगलते हैं, मतलब स्वेलो करते हैं। क्या करते हैं, स्वेलो, निगलना। किसे निगलेंगे, किसी फ्रॉग हो गया, जैसे आपका मेंढक हो गया या और कीड़े हो गए, इन लोग इन्हें निगल जाते हैं, ठीक है। अब हम अगले एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, हम अपना खुद का एग्जाम्पल लें, तो ह्यूमंस अपना खाना कैसे लेते हैं, ह्यूमंस अपना खाना लेते हैं हाथों के द्वारा। ह्यूमंस अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं हाथों का इस्तेमाल करते हैं, पैरों का इस्तेमाल थोड़ी करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, हाथों का। ऐसे ही अगर मैं बात करूं फ्रॉग की, फ्रॉग, फ्रॉग क्या करेगा, या फिर आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, लिजार्ड। आजकल कीड़े बहुत होते हैं ना, बारिश का मौसम में कीड़े निकलते हैं, तो आपने देखा होगा लिजार्ड को, अपने घरों की दीवारों पे देखा होगा, वो अपना खाना कैसे लेती है, अपना क्या करेगी, जीभ को बाहर निकालेगी और एकदम से पकड़ लेगी, क्या करेगी, कैप्चर कर लेगी अपने खाने को। क्या करती है, लिजार्ड कैप्चर करती है। और अगर मैं आपसे बात करूं स्पाइडर की, किसकी बात करूं प्यारे बच्चों, स्पाइडर, स्पाइडर आप सब जानते हैं क्या होती है, मकड़ी। मकड़ी अपना खाना कैसे लेती है, देखिए मकड़ी के प्रोसेस में क्या होता है, मकड़ी पहले अपने चारों तरफ एक जाला बनाती है, अपने चारों तरफ क्या बनाएगी, एक जाल बनाएगी, और उस जाल में कोई ना कोई कीड़ा आके फंस जाता है। पहले मकड़ी ने जाल बनाया, आपने देखा होगा ना, जाल आपके घर में कहीं पर होता है,
तो जब जाल आपके घर में होता है उसमें एक दो कीड़े फंसे हुए होते हैं, वो जाल बनाती है मकड़ी इसलिए ताकि उस जाल में कोई कीड़ा आकर फंसे, कोई इंसेक्ट आकर फंसे, फिर उसे मकड़ी क्या कर ले, खा ले। ठीक है, हम बात करें अगर मॉस्किटोज की, मॉस्किटोज मतलब मच्छर, मच्छर अपना खाना कैसे कहते हैं, मच्छर भी अपना खाना क्या करते हैं, सक करते हैं, अपना खाना चूस लेते हैं, आपकी बॉडी पे बैठ जाएंगे और अब बैठ के क्या करते रहेंगे, आपका खाना मतलब आपका ब्लड क्या करते रहेंगे, चूसते रहेंगे, आपके लिए वो ब्लड है, उनके लिए वो क्या है, खाना। देखिए अब हम बात करते हैं एक और एनिमल की, देखिए एक होती है स्टारफिश, क्या होती है स्टारफिश, स्टारफिश का शेप होता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से शेप होता है, इसे हम कहते हैं स्टारफिश। अब स्टारफिश अपना खाना कैसे बनाती है, ये आपके लिए अपना खाना कैसे लेती है अपनी बॉडी में, ये आपके लिए बहुत अच्छे जानने की चीज है। ये स्टारफिश के पार्ट्स हैं बॉडी के, ठीक है, अगर इन पार्ट्स पे कोई, इन पार्ट्स पे कोई इंसेक्ट आकर बैठता है, मतलब ये समुद्र में रहती है, पानी में रहती है स्टारफिश, अगर इसके यहाँ पर कोई आकर बैठा, इसका खाने वाली चीज कोई आकर यहाँ पर बैठी, तो ये क्या करेगी, अपने पेट को बाहर लेकर आएगी और अपने पेट से, अपने पेट में इसे लेगी और फिर पेट को अंदर लेकर चली जाएगी। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने पेट को भी बाहर ले आते हैं। आप पेट को बाहर लाते हो, नहीं, आप अपने खाने को पेट तक पहुंचाते हो, ये क्या करती है, ये अपने पेट को खाने तक पहुंचाती है। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं अमीबा के बारे में, चलिए अब बात करते हैं हम अमीबा के बारे में। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था व्हाट इज अ सेल, सेल क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन जब हमारी बॉडी में होते हैं तो एक पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बन के बाहर आता है। अब बात करेंगे हम अमीबा की, ये जो अमीबा होता है ना, अमीबा होता है सिंगल सेल, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, क्या होता है इसके अंदर सिर्फ एक सेल, हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल होंगे लेकिन अमीबा जो होता है इसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, और अमीबा का शेप कुछ इस तरीके से होता है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ये टाइम टू टाइम, अगर आप, पहली बात तो आप इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, आप अपनी आंखों से अमीबा को देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली कहाँ मिलता है, पॉन्ड वाटर में, मतलब किसी तालाब का पानी जो होगा, रुका हुआ पानी एक जगह, उसमें अमीबा पाया जाता है। तो अमीबा का शेप नहीं, डेफिनेट नहीं होता है, मतलब एक जैसा शेप नहीं होता, अगर इस समय ये है तो कुछ देर बाद अगर आप माइक्रोस्कोप से उसे देखेंगे तो उसका शेप बदल जाता है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसका शेप फिर से बदल जाएगा। अब ये अपना खाने का, ये इंजेशन का प्रोसेस कैसे करेगा अमीबा, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये है हमारा अमीबा, अमीबा की ये है न्यूक्लियस, और यहाँ पर है इसका फूड पार्टिकल जो इसे खाना है, अमीबा को जो खाना खाना है वो इससे थोड़ा सा दूर है, इसे हमने कह लिया फूड पार्टिकल। अब अमीबा क्या करेगा, अपना शेप चेंज करेगा, अपना थोड़ा सा शेप चेंज करेगा, और शेप चेंज करके क्या बनाएगा, फॉल्स फीट, मतलब अपने पैर बनाएगा, ये जो दो बनाए ना यहाँ पे, ये इसने अपने दो पैर बनाए, अपने शेप में चेंज करा, और शेप में चेंज करके क्या बनाए, दो पैर बनाए, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया भी कहा जाता है, और इन्हें फॉल्स फीट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी में कोई पैर जैसा तो कुछ होता नहीं है, ये अपने आप बना लेता है, झूठे पैर बना लेता है जो कि पैर होते नहीं है, और किस लिए बनाता है, ताकि अपने खाने को, जो इसे खाना है उसे ये क्या कर सके, पकड़ सके, अपने फूड पार्टिकल को पकड़ सके। अब इसने जो अपने पैर बनाए, उन पैरों का यूज करके इसने फूड पार्टिकल अपने अंदर को समा लिया, और इजेशन का प्रोसेस इस तरीके से, इंजेशन का प्रोसेस, माफ कीजिएगा, इंजेशन का प्रोसेस इस तरीके से अमीबा में हो जाता है। तो हमने आज अच्छे से बात करी किस प्रोसेस के बारे में, हमने अच्छे से बात करी कि इंजेशन का प्रोसेस किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अब हम आगे बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। अगर हम डाइजेशन की डेफिनेशन की बात करें तो वो होती है कि द प्रोसेस ऑफ
द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस. मैंने क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस. देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जानेंगे इसके बारे में. डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो खाना होता है ना, वो खाना जो फूड जो होता है आपका, फूड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कठिन होता है आपकी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना या पचाना एक तरीके से. तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसे डाइजेशन के थ्रू आप उससे, देखिए सिंपल सी भाषा में समझिए, हमने पिछली क्लास में और पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि हमारे फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए. ये सारे न्यूट्रिएंट्स हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं. तो इन न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए हमें अपने खाने को इस तरीके से बदलना होता है ताकि हमारी बॉडी वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले पाए, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है. जैसे हमने खाना खाया, हमारी रोटी होती है, रोटी जब हमारे मुंह में जाती है, इंजेशन का प्रोसेस होता है, तो क्या करते हैं, हम रोटी को तोड़ते हैं. तो तोड़ने का काम किस लिए हो रहा है, ताकि हम उस सब्सटेंस को क्या बना सकें, सिंपल सब्सटेंस बना सकें. जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी, उसमें हम अच्छे से डाइजेशन को पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में डाइजेशन किस तरीके से होता है. इसके बाद हम अगले तीन पॉइंट को और जानते हैं. बात करें अगर हम एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्ब का मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन जो वर्ड आया है वो आया है एब्जॉर्ब से. एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी भी चीज को सोखना, मतलब आपने जो खाना खाया उसे सोखेंगे कैसे, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या हुआ. देखिए आपने जो खाना खाया, सबसे पहले आपने इंजेशन किया, मतलब जो खाना आपने अपनी बॉडी में लिया, फिर उस खाने को डाइजेस्ट करा. डाइजेस्ट करने के बाद उस खाने में जितने भी आपकी एनर्जी होगी या उस खाने से जो भी आपकी बॉडी को चाहिए होगा, वो प्रोसेस अगर आप अपनी बॉडी में लेंगे तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन. ठीक है, आपने अगर जो खाना डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद वो खाना आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, ब्लड के साथ मिलकर डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका एब्जॉर्प्शन. अगर हम बात करें एसिमिलेशन की, एसिमिलेशन वो प्रोसेस होता है, जैसे एब्जॉर्प्शन के बाद का प्रोसेस क्या है, एसिमिलेशन. एसिमिलेशन में क्या होगा, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जब न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन. और बात करें इजेशन की, देखिए इजेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा. आप कभी कभी क्या होता है, किसी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं या आप रास्ते पर चल के जा रहे होते हैं, तो चिड़िया हो या कोई आप कह सकते हैं क्रो हो, आपके ऊपर डीट कर देता है, होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है इजेशन का. आपने जो चीज खाई उसका वेस्ट मटेरियल अगर आप बाहर को निकाल देंगे, वेस्ट मटेरियल, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, वो प्रोसेस कहलाएगा इजेशन का. इस बारे में बात करेंगे अभी कैसे. सबसे पहले इंजेशन में आपने खाना अपनी बॉडी में लिया, डाइजेशन में आपने उस खाने को डाइजेस्ट करा, पचाया, एब्जॉर्प्शन में और एसिमिलेशन में आपने उसे एब्जॉर्ब करा और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आपने भेजा, उसमें जो विटामिंस हो या कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, आपकी बॉडी ने वो ले ली. उसके बाद कुछ खाना ऐसा बचता है जो आपकी बॉडी किसी भी तरीके से यूज नहीं कर पाती है, आपकी बॉडी के लिए वो वेस्ट होता है, और वो वेस्ट मटेरियल किसी ना किसी तरीके से आपकी बॉडी से बाहर आना होता है. आप सुबह सुबह जाते हैं पॉटी करने, ये वही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को कहते हैं इजेशन, जिसमें आप अपने वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. ठीक है बच्चों, आज के लिए हमने इन 5 स्टेप्स के बारे में बात करी थी. हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है और ह्यूमंस अपना खाने को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, किस किस प्रोसेस से हमारा खाना होकर गुजरता है. तब तक के लिए धन्यवाद.